मेरा नाम डॉक्टर राम कमल है, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ चंबा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे मैं आया हूँ। और ये जो आज की वर्कशॉप है ये इसलिए रखी गई है कि आप लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि आईपीएच और हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें बड़ा रोल रहता है कि वो किस तरह से पानी के सैंपल जो हैं वो कैसे कलेक्ट करेंगे और उसकी गुणवत्ता जो है वो कैसे मेंटेन रहेगी। क्योंकि ये कोई भी वाटर सैंपल लेंगे, अगर उसको हम डायरेक्टली हाथ से टच कर देंगे, या आपका सैंपल जो है वो ऐसी जगह से लेंगे, या आपकी बॉटल जो है वो स्टरलाइज नहीं होगी, उसकी ऑटोक्लेविंग नहीं होगी। और थोड़ा सा ये तरीका होता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम है वो टाइम जो है बड़ा शॉर्ट होता है, और ऐसे नहीं हम कर सकते कि आज पिछले कल आपने वाटर सैंपल लिया और दो दिन बाद भेजा, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। तो इसलिए जो WHO की गाइडलाइन तो कहती है कि 24 आवर्स में, मगर ये है कि हमारा लोकल जो है उसमें देखा जाए तो सुबह 7-8 बजे जो है ये हमें सैंपल लेना चाहिए, ठीक है, ताकि उस सैंपल को, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है टांडा में इसकी जो है बैक्टीरियल जांच होती है इकोलाई के लिए, ठीक है, या कोई भी बैक्टीरियल इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसके लिए ये जो है ये सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सबसे जो अहम बात है उसमें ये है कि कलेक्शन जो है वो उसका तरीका जो है वो आपको आना चाहिए, किस तरह से आपने ये वाटर जो है कलेक्ट करना है। और उसके लिए हमारे पास जो है वो सबसे पहले स्टरलाइज जो आपके बॉटल्स आप सबके पास पड़ी होती हैं आपके पास ना, हैं आपके पास है? वाटर आपके पास भी मैक मेरे पास है ना, मैक्सिमम जगह जो वर्कशॉप होगी ये सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि हम आपको कोई ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, आप लोगों से भी हम सीखेंगे और हम भी आपको बताएंगे कि इसमें जो है किस तरह से हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए और किस तरह से जो क्वालिटी जो है वो आपकी सैम्पलिंग की वो किस तरह से इम्प्रूव कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम क्योंकि मैं धर्मेंद्र कुमार जूनियर इंजीनियर IPH डिवीजन सलूनी। मैडम पल्लवी जी बता दो ना इनको, हमारे डिपार्टमेंट को नहीं होना पता। अच्छा, पल्लवी अप्रूवल IPH डिवीजन और असिस्टेंट इंजीनियर। शी है जॉइंड 1.5 ईयर हॉस्पिटल मेला सोरवाल सीएस परमाव सुरेंद्र पाल है मैचस सीएससी का केंद्र ट्रेन हर सुपरवाइजर सीएससी चूड़ी माई सेल्फ प्रमा समझा सुपरवाइजर कुकी प्रो भक्तराम ठाकुर जूनियर इंजीनियर IPS डिवीजन तीसरा डिवीजन स्टोन। महेश्वर शर्मा जय इधरवाला जी। अनिल ठाकुर जय IPS चंबा। मनमोहन सिंह अकाउंटेंट WSSO चंबा। ओम प्रकाश वर्क मैनेजर थोड़ा सा आराम से यार, क्या नाम? ओम प्रकाश कुलदीप सिंह वर्क इंस्पेक्टर IPS डिवीजन तीसरा। मोहम्मद IPS तो और भी नहीं पहुँचेगा हाँ कोई नहीं बोला और भी सब काम चलने वाले तो है नहीं ना अधिक तो और चलिए तो हमारी इंट्रोडक्शन हो गई। बोलिए हाथ खड़ा करो, क्यों नहीं है तो बोलो आप।
वो छोड़ो थ्योरी नहीं चाहिए हम प्रैक्टिकल आते हैं प्रैक्टिकल बात पे आना आपने इस साल या पिछले महीने जून महीने कितने सैंपल दिए है ना डायरिया कॉलरा और इसके अलावा जॉन्डिस आ गया ठीक है वॉमिटिंग भी आइस मार्टी की तरह तो उसको कॉल करते हो ठीक है तो ये तो डिफरेंट आपके बीमारी होगी और इसके अलावा कोई और बीमारी होती है पानी के साथ वर्म इन्फेस्टेशन जितने कीड़े हैं पेट में जितने कीड़े हैं मूवमेंट आई है लोगों में और लोग अवेयर भी हुए हैं कि ये जो पानी का सोर्स है उसके आस पास जो है हमें टॉयलेट नहीं करना या किसी भी हम बोलेंगे बड़े तो करने थे बच्चों को बता देते क्या हुआ था कि आपके खजियार में वाटर सोर्स जो था दो जगह से एक जगह लिए हुआ था नगोड़ी का वाटर सप्लाई ना और पीछे से आता खजियार के नीचे से उस टाइम क्या हुआ इसी तरह वेस्ट मटीरियल ये मैंने आपका टॉयलेट वगैरह ये सारा कुछ मिला हुआ ठीक है क्या फला शिमला में कितने ज़्यादा लोग उन्हीं दिनों हमारे यहाँ भी 11 पेशेंट जो है वो हेपेटाइटिस ई से वो थे उसमें से एक की डेथ भी हुई थी ठीक है रीज़न क्या था वहाँ जाकर हमने फिर वो पूरा जो आपका ये एपिसोड हुआ था जिसमें मचूराम जी थे हम थे डॉक्टर मान सिंह थे जितनी भी हमारी टीम थी जितने लोग थे ये थे सब लोग हम जाकर के सारा उनका एग्जामिनेशन भी किया था और हमने जो 11 लोगों के सैंपल भेजे 11 के 11 जो थे वो हेपेटाइटिस ई से आए थे पॉजिटिव आए थे ठीक है लोगों में दवाइयाँ बांटी गई अवेयरनेस पैदा की गई लोगों को बताया गया क्लोरीन टेबलेट बांटी सब कुछ किया गया ताकि इसलिए ताकि उसका लोगों में जागरूक तो हो कि हमने ये पानी नहीं पीना है मेन मकसद तो यही है ना कि हमने वो पानी गंदा पानी नहीं पीना है तो वो किया जब सैंपल हमने शिमला टांडा में भेजे तो वहाँ से सब के सब सैंपल में जो उनका सैंपल भेजे गए उनके ब्लड के सैंपल तो वो हेपेटाइटिस ई आया उसमें ठीक है हालांकि अनफॉर्चुनेटली एक हमारी वर्कर थी और वो उसको भी हुआ था आंगनवाड़ी वर्कर थी आशा वर्कर थी और शी लॉस्ट हर लाइफ ठीक है और क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस ई में जो है वो भी वाटर बोन ए की तरह वाटर बोन डिजीज है उसमें होता ही है कि एंटीनेटल जो केस है उसमें ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे कि बाद में सैंपल भी लिए गए वाटर सैंपल भी लिए गए और काफ़ी हद तक जो है ये पूरे हिमाचल सरकार में हर जगह जगह शिमला में भी हुआ तो काफ़ी आज तक भी वो हाई कोर्ट में केस चले हुए हैं अभी तक पेंडिंग है वो आप लोग कॉलरा यहाँ बड़ी कम है ठीक है डिग्री कॉलरा के साइड में क्या हिमाचल में बड़े कम केस होते हैं हम वेस्ट बंगाल में थे तो वहाँ पर एक डिग्री कॉलरा का पूरा ही वार्ड होता था पूल की तरह होता है मतलब चावल का पानी है चावल पानी जानते हैं ना है ना पीछे जानते हैं पीछे लुगड़ी जानते हैं कि नहीं जानते तो रोज पीते हैं उसे बनता है कुछ इसको काट देना नहीं है ना उससे रिलेटेड यहाँ भी आ जाता है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है ठीक है तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं होती ये बीमारियाँ नहीं हो सकती अब आगे हमारा अगला जो पॉइंट है कि हमने क्या इसमें क्या करना है वाटर सैंपल हमने किस तरह से लेना है ठीक है वाटर सैंपल तो आपको अलग से बताएंगे इससे पहले हमने क्लोरीन की कैसे कैलकुलेशन करनी है ठीक है जो भी कोई आपकी टैंक होगा ठीक है चलो टैंक को तो हम मान लिया टैंक का कर लेते हैं टैंक का तो 10,000 लीटर है अब एक कुआँ है जो नेचुरल सोर्स का कुआँ होता है उसको कैसे करते हैं उसको कैसे करते हैं मान लो कुआँ आ गया आपका कुआँ नहीं है तो इसलिए तो पहले तो आपके पास वाटर जो आईपीएस डिपार्टमेंट है उसके पास मेरे ख्याल आपके हज़ारों आपके पास सोर्सेज होंगे मगर आपकी क्लोरीनेशन जो है वो सिर्फ आपके टैंक तक ही सीमित होती है क्योंकि इसके अलावा जो ये नेचुरल सोर्सेज हैं उसमें हम इसको क्लोरीनेशन नहीं कर सकते प्रॉपरली ये बता रहे हैं ठीक है कि उसमें लगा दिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलते रहे मगर जब वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तो उसके बाद तो क्लोरीनेशन होगी नहीं ठीक है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्लोरीनेटेड वाटर जो है अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपने घर से अगर इस तरह का पानी भी पीना है तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए क्या करना है आपने सबसे पहले तो बेटर है कि आप आईपीएस डिपार्टमेंट से पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई में आ रहा है जिसमें क्लोरीनेशन आपने कर चुके हैं वो पानी पियो अगर आपने नेचुरल सोर्स से पीना है
तो उसके लिए आपके घड़े में जो है एक टेबलेट क्लोरीन डालनी है, जो कि हम सब जगह बांट चुके हैं 5,20,000 टेबलेट, ठीक है, 4,80,000 हर जगह पहुंच गई है। कौन से एरिया में सर? हर 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 जगह घर में है, आशा वर्कर के पास अवेलेबल है, हेल्थ वर्कर के पास अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल, हाउस टू हाउस अवेलेबल। अवेयरनेस ये है कि वो ये ना समझे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, हम नहीं जानते, उसमें अवेयरनेस ये पैदा करने की जरूरत है कि ये क्लोरीन टेबलेट अगर नेचुरल वाटर से लाए हैं कोई पानी, तो उसमें रात भर डाल दो और उसको चेंज उसके ऊपर ढक्कन दे दो, ढक्कन देने से क्या होगा उस वही क्लोरीनेशन हो जाएगी पानी की, ठीक है। एक टेबलेट एक जो बाल्टी या एक गागर या एक घड़े के लिए काफ़ी होती है, ये कर लेंगे तो आप समझो कि आपने सेफ पानी जो है पी लिया। बात रही ये कि कॉन्टैक्ट पीरियड, अभी आपने बात डिस्कस कर रहे थे, कॉन्टैक्ट पीरियड कम से कम इसमें एक घंटे का होना चाहिए। होता ये है कि जब हम क्लोरीन डालते हैं, आपने क्लोरीन पहले पहले क्लोरीन की डिमांड देखनी होती है, क्लोरीन की डिमांड कितनी है, आपके टैंक का साइज पता है, ठीक है, 10,000 लीटर है या 20,000 लीटर है, 50,000 लीटर है या 500 लीटर है, ठीक है। तो इसमें 4 ग्राम से 5 ग्राम तक, ठीक है, नेचुरली अब आप लिख लो, होता बेसिकली 3.9 होता है, तो हम उसको रफली लेते हैं, 4 ग्राम ही ले लेते हैं, 4 माइक्रोग्राम मिलीग्राम पर लीटर। तो अगर आप इसको 10 में करेंगे तो कितना होगा, 40 मिलीग्राम, ठीक है। आप 100 में करेंगे कितना होगा, 100 × 40 = 400 मिलीग्राम, ठीक है। 1,000 में मिलेंगे करेंगे तो कितना होगा, 4 ग्राम। 1,000 के लिए 4 से 5 ग्राम जो है वो 4 ग्राम चाहिए होता है क्लोरीन, ठीक है। अगर आपने 10,000 के लिए चाहिए होगा तो कितना, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक ही आ गया आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे जो आपकी क्वांटिटी है। अब उसको क्या करेंगे कि जितना भी आपका क्लोरीन है उसको एक डब्बा, ठीक है, खास कर हो सके कोशिश करें कि डब्बा ले लें, ठीक है। डब्बे में कम से कम 3/4 जो है वो रेत डालें, रेत में फिर क्लोरीन डालें और पहले उसको थोड़ा सूखा मिलाएं और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उससे क्या होता है, क्या आने लगते हैं बुलबुले, वो रिएक्शन होता है शुरू पानी का, उसको पानी में उसको रिएक्शन होने दे, फिर उसको जो है जो उस टैंक में डालना जो कि ऑलरेडी आपने पहले ही टैंक जो है वो बंद कर रखा है, ताकि उसको कॉन्टैक्ट पीरियड जो है, जो कॉन्टैक्ट पीरियड कम से कम 1 घंटा चाहिए, ठीक है। तो बेटर होता है आप शाम को ही डालो, ठीक है, या सप्लाई नहीं बंद कर सकते कम से 1 घंटा के लिए बंद कर दो और उसमें वो क्लोरीन जो है वो डाल दो, प्रॉपरली उसको थोरली मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद 1 घंटा कम से कम टाइम देना होता है ताकि उसकी जो क्लोरीन डिमांड है, ठीक है, उसके अलावा जो इनर्ट जितनी भी धूल मिट्टी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके साथ वो क्लोरीन रिएक्ट करता है और एक इनर्ट उनको मार देता है। उसके बाद जो है फिर भी हमारे पास जो है थोड़ी सी रेजिडुअल क्लोरीन बच जाती है, ठीक है, वो होती है 1 to 2 ppm पर मिलियन, ठीक है, है ना। ये है ये इंस्ट्रूमेंट जिससे हम ppm को, यार ऐसा करूँ एक जग लिया हुआ मैं, जो है ppm जो है इसमें, इसमें दो तरह की ट्यूबें होंगी, ठीक है, एक ये ट्यूब एक ये ट्यूब, ठीक है। इसमें जो है इसमें हम पानी डालेंगे और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें इससे जो आपकी क्लोरीन की जो है कितने ppm रेजिडुअल क्लोरीन कितनी है ना, है कि नहीं है, ठीक है, उसको पता लग जाएगा। ये 1 से 2 होनी चाहिए, ठीक है, तो ले आओ जरा पानी। अब जो है इसमें हम पानी डालेंगे, दोनों ट्यूबों को पानी में भर देना है, ठीक है, छोड़ दो। और इसमें ये रिएजेंट है, ये क्लोरोस्कोप है, इसमें क्या करना है कि एक ट्यूब में हमने 4 बूंदें डाली है, ठीक है, एक को आपने एज सच ही डाल देना, दूसरी में हमने इसमें 4 बूंदें डालनी है, ठीक है, 4, ठीक है। अब इसको हिलाना है, ठीक है, इसको प्रॉपरली ऊपर नीचे हिलाना है, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ी देर इसको 1-2 मिनट में स्टेबल होने देना है। अब जो है इसका कलर जो है नीचे से लेकर ऊपर तक जिसके साथ मैच होगा, इसमें है 0 to
ये है 01 02 05 125, ये क्लोरीन आपकी रेजुअल क्लोरीन जो है पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से आती है, ठीक है। हमारा वन कितना होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड कितना होता है? 01 इतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब तो सुपर क्लोरिनेशन होगी, ठीक है। तो ये जो है खासकर ये पहले दो तीन कॉलम्स के साथ इसका मैच करेगा। अब आप इसको देख सकते हैं, अपने पास ले लो, ठीक है ना। ए घुमाइए दो सारे, सारे सब देख लो, आप देखो कि कहाँ मैच कर रहा है ये, आपस में देखो। आप अपनी ऑब्जर्वेशन है, किसके साथ मैच कर रहे हैं, वन के साथ कर रहा है, टू से कर रहा है, थ्री से कर रहा है, थोड़ा पीछे कर देना, किससे कर रहा है, मतलब थोड़े पीछे कर दे, लगभग 0.1 से ही मैच कर रहा है, ठीक है। अगर 0.2 हुआ, 0.1 और 0.2 से के बीच होना चाहिए। अगर ये कलर जो है ऊपर से मैच करता है, इट मीन्स हमने क्लोरीन ज़्यादा डाला है, ठीक है। इससे रेज इसका कोई, अब क्लोरीन की जो है वो क्लोरीन कितनी है आपके पानी में और कितनी, अब डिमांड आपने बता दी, कैलकुलेशन हमारे पास है, इतने ग्राम हमने डाल के किया, कम से कम एक घंटा आपको वहाँ उसका कॉन्टैक्ट पीरियड रहना देना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आता है कि आपने सप्लाई जो है आपकी, कम से कम जो भी पानी होता है, अगर इसको हम वाटर टैंक जहाँ की सेडिमेंटेशन टैंक है, अगर उसमें रहने दिए जाए 24 आवर्स टू 36 आवर्स जो होते हैं टैंक, उससे ही काफ़ी जो इम्प्योरिटीज़ है, जैसे धूल है, डस्ट है, कोई भी चीज़ है, वो बैठ जाती है। तो आपका फिजिकल जो टेस्ट होता है, जिसकी अभी हम अंदर भी बात कर रहे थे, फिजिकल टेस्ट मीन्स कि टर्बिडिटी तो नहीं है। कई बार अखबारों में आता है कि धूल है, मिट्टी है, ये आ गया डायरेक्ट उधर से लगा दिया है, ठीक है, ये अखबारों में बड़ा इशू आता रहता है। तो ये आप लोगों ने देखना है कि वो जब आप कम से कम 24 घंटे से 36 घंटे इसको रहने देंगे पानी के सेडिमेंटेशन टैंक में, तो अपने आप इम्प्योरिटीज़ बैठ जाती हैं। आपने देखो घर में भी अगर बाल्टी में पानी भरो तो सुबह देखना तो बाल्टी में कूड़ा होता है, इट मींस के या कुछ होता है, बैठ जाता है, तो वो अपने आप प्योरिटी का स्टेप होता है। कोई इशू डिपार्टमेंट में कोई हमारी टीम जा करके उनको बताएगी टॉयलेट कैसे करनी है, ये नहीं बता सकते। लोगों को अवेयरनेस के लिए डिफरेंट प्रोग्राम चले होते हैं। आशा जो है, आंगनवाड़ी वर्कर है, स्कूल्स हैं, ये ऐसी इंस्टीट्यूशन में, इनमें जा करके हम जो है अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और कर भी रहे हैं, और लोगों में फ़र्क भी पड़ रहा है। मगर ये जो उतना अभी तक इसका असर देखने में नहीं मिलता है, तो इसका रीज़न ये है कि हम में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। अवेयरनेस से बड़ी बात कम से कम जो पंचायत प्रधान पंचायत सेक्रेटरी वो पॉजिटिव रिपोर्ट देना, पहले दिए होते थे प्रधान पर दे दिए लिख के, क्योंकि उनको प्रेशर होता था यार फटाफट हमारे पास नहीं है, जो हॉस्पिटल की हमने फर्स्ट लाइन पर। लास्ट मंथ की बात है, मैं एक बार साइट पे गया, क्लाउड ब्लस्ट हुआ था और डैमेज मैक्सिमम 7 के 7 बंद हो गए। जब मैं गाँव में पहुँचा बरमोहर की बात है, 2 घंटे 2.5 घंटे पैदल चढ़ाई गर्मी में और ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचा। वहाँ जब देखता हूँ एक तो गाँव और फाटी, लास्ट 15 दिन पहले मैं इधर गया, बहुत ही बुरा, और में भी गया था, बरवाणी भी देखा हमने, तो वहाँ भी ये है कि बरवाणी का थोड़ा सा ये है कि जो पानी निकल रहा है ना वो उभार से निकल रहा है, और उसके पीछे जहाँ से भी आपने लेना, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक किट होनी, उसमें आपका एक बॉटल होगी जो कि स्टरलाइज होनी चाहिए। आप अपने हाथ जो है वो अच्छी तरह से साबुन के साथ धोएं, ठीक है। धोने का मतलब ये है कि आपने जो आपके 6 स्टेप हैं वो जो किए, ठीक है, साबुन लगा के ऊपर नीचे ये करके, इसके बाद सारी उंगलियां साफ करके, ठीक है, उसके बाद आपका सारा ये करके, और ये सारे स्टेप्स करने के बाद आप हाथ धोएं। उससे जो है किसी दूसरे बंदे को बोलें कि जो भी जहाँ से पानी ले रहे हैं, जिस सोर्स से ले, नलके को पहले, उसकी जो टिप होती है उसको, आपके पास स्पिरिट होता है उसके, उससे उसका नलका साफ़ कर लें, मुंह जो है, ठीक है, साफ़ कर लें, दूसरे आदमी की हेल्प ले लें, उससे साफ़ करवाएं स्पिरिट स्वैप से, और उस पानी को जो है वो चलने दें, क्या करें, ऐसे नहीं ले लें ऐसे गए और पानी लिए और चल पड़े, है ना, उसको चलने रन करने दें, रन 5-10 मिनट उसको रन करने दें, ठीक है, ताकि उसमें से जो पानी का फ्लो है वो नलका जहाँ से मिले, आप नलके से लेंगे नेचुरल या नेचुरल वाटर है तो उसमें अलग से ले सकते हैं,
पानी चला हुआ है उसको उसके जो इस तरह से आप उसकी जो है वो इसको चलने दें, पानी को ऐसे चलने दें। उसके बाद जो है आप अपनी बोतल जो है उसका कैप खोलें और इसके नीचे ऐसे लगा दें, है ना। अब आपने बॉटल जो बोतल है आपकी बोतल जो होगी उसको कहाँ तक भरना है, पौना पौना पूरा नहीं भरना, ना ही उछालनी है, ठीक है, पौना पौना भरा। उसके बाद जो 3/4 जो है उसके बाद वही कैप आपने लगा दी, सील कर दी और आपने वाटर जहाँ टेस्टिंग सेंटर है उसको अंडर जो जो बैक्टीरियल है उसको तो अंडर कोल्ड चेन लाना पड़ता है, ठीक है, और हो सके तो नियर बाय एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, उसको एक कोल्ड बॉक्स में रखें और उसको लेकर के आपकी लेबॉरेटरी में भेजें ताकि वहाँ पर जो है उसकी टेस्टिंग हो। कोल्ड चेन इसलिए कि अगर आप जितना डिले करेंगे या जितना आपका उसको डिले होगा तो उसमें क्या होता है कंटेमिनेशन और जो बैक्टीरिया जो भी है वो आगे मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें हमने ज़्यादातर जो हमारा ये होता है कि इसमें ई कोलाई देखा जाता है। अब आप बोलेंगे ई कोलाई क्या है, ई कोलाई से ये जाहिर होता है कि इस वाटर जो आपका सोर्स है इसमें कहीं ओपन डिफिकेशन से या किसी जानवर या उसी की वजह से या इंसान